दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि YouTube पर वीडियो को अपलोड कर देते हैं और उसमें कुछ एडिटिंग बाकी रह जाता है, जैसे कोई म्यूजिक ऐड करना भूल जाते हैं या फिर कोई पार्ट जिसे कट करना हो। तो दोस्तों इसके लिए आप लोग को YouTube से वीडियो को डिलीट करके उसमें एडिटिंग करके उसे फिर से अपलोड करने की ज़रूरत नहीं, आप लोग YouTube में वीडियो को एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे एक सब्सक्राइबर ने मतलब कमेंट किया था कि YouTube में वीडियो को कैसे एडिट करें। दोस्तों सब्सक्राइबर मेरे लिए मतलब मेरी फैमिली है, तो मैंने भी क्या किया वीडियो को बना दिया। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद दोस्तों आप लोग को यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो को ओपन करना है और अपने चैनल से लॉगिन हो जाना है। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर अपने चैनल से लॉगिन हो चुका हूँ। अभी आप लोग को यहाँ पर लेफ्ट साइड में प्ले का सिंबल दिखाई दे रहा होगा, आप लोग को इस पर टाइप करना है। जैसे ही आप लोग इस पर टाइप करेंगे दोस्तों तो आप लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। ये देखिए दोस्तों आप लोग को यहाँ पर सारे वीडियो का लिस्ट दिखाई दे देगा। दोस्तों अभी आप लोग को इसमें से ढूंढना है कि कौन सा वीडियो आप लोग को एडिट करना है। चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर पहला वाला वीडियो एडिट करूँगा, तो मैं इस पर एक बार ऐसे टाइप करूँगा। एक बार यहाँ पर ऐसे टाइप करने के बाद दोस्तों आप लोग को यहाँ पर ऐसे बगल में एक बार और टाइप करना है। जैसे आप लोग इस पर टाइप करेंगे दोस्तों तो आप लोग को पेंसिल का आइकन दिखाई देगा, आप लोग को पेंसिल का आइकन वाले पे टाइप करना है। जैसे आप लोग पेंसिल के आइकन पर क्लिक करेंगे दोस्तों आप लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अभी आप लोग के यहाँ पर लेफ्ट साइड में दोस्तों वीडियो का सिंबल दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए आप लोग इस पर टाइप करना है। जैसे ही आप लोग वीडियो वाले ऑप्शन पर टाइप करेंगे दोस्तों तो आप लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, एडिटिंग वाला ऑप्शन खुल जाएगा। अभी दोस्तों आप लोग यहाँ पर ट्रिम कर सकते हैं, ट्रिम मतलब कट कर सकते हैं, ब्लर कर सकते हैं, ऑडियो मतलब कोई म्यूजिक लगा सकते हैं और एंड स्क्रीन लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले कट करके दिखाता हूँ, ट्रिम करके दिखाता हूँ। कट करने के लिए दोस्तों आप लोग को यहाँ पर प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है। अभी आप लोग को कौन सा भाग कट करना है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ध्यान से एक कर्सर दिखाई दे रहा है, आप लोग को यहाँ पर कर्सर लेके आना है। मान लीजिए मुझे यहाँ से ऐसे वीडियो को कट करना है, मैं कर्सर को यहाँ पर लाकर ऐसे छोड़ दिया। अभी आप लोग यहाँ नीचे देखेंगे स्प्लिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप लोग को यहाँ पर ऐसे ही टाइप करना है। जैसे आप लोग स्प्लिट पर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर ऐसे कट जाएगा। अभी आप लोग को कहाँ तक वीडियो को कट करना है दोस्तों, आप लोग को यहाँ पर ऐसे लेकर जाना है वहाँ तक। जैसे दोस्तों मेरे को मान लीजिए यहाँ तक ऐसे वीडियो को कट करना है, मैं यहाँ पर ऐसे लाकर छोड़ दिया। अभी आप लोग को नीचे देखेंगे दोस्तों तो क्लियर आल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जैसे आप लोग क्लियर आल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो वीडियो का वो भाग कट जाएगा। ये देखिए दोस्तों वीडियो का वो भाग कट चुका है। इस प्रकार दोस्तों आप लोग वीडियो के किसी भी भाग को कट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग ब्लर भी कर सकते हैं। ब्लर करने के लिए दोस्तों आप लोग अगर चाहें तो किसी पर्टिकुलर फेस को ब्लर कर सकते हैं या फिर कस्टमाइज ब्लर भी आप लोग कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर म्यूजिक भी लगा सकते हैं, जैसे ही म्यूजिक वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करेंगे दोस्तों तो आप लोग को यहाँ पर ढेर सारा म्यूजिक देखने को मिलेगा। ये सब म्यूजिक दोस्तों कॉपीराइट फ्री है। ये देखिए दोस्तों ये सारे म्यूजिक का लिस्ट जितना दिखाई दे रहा है दोस्तों सब कॉपीराइट फ्री है, आप लोग कोई भी यूज कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोग यहाँ पर एंड स्क्रीन भी लगा सकते हैं। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।